मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा बजाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। कन्हैया सुदामा जंगल से लकड़ियों को लेने जा रही थी तो गुरु पत्नी ने वही चनों वाली पोटली सुदामा जी को पकड़ा दी। बेटा तुम दोनों भैया वन में जा रहे हो, भूख लगे तो मिलके प्रेम से सलाह से दोनों भाई चनों को खा लेना। अरे अब कन्हैया लकड़ियां तोड़ रहे हैं, सुदामा जी ने पोटली खोली तो सुदामा जी एक ब्राह्मण है, उनको ब्रह्म ज्ञान है और ब्राह्मण जी समझ गए इन चनों को श्राप लगा है, जो भी चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा। तो सुदामा जी ने सोचा ये चने में कन्हैया को खाने के लिए नहीं देंगे, क्यों और यश यादव नंगला गुड़वा और मोमदाबाद हो 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे। तो मातार बहनों सुदामा जी समझ गए यदि चने कन्हैया ने खाए तो कन्हैया तो भगवान बनकर आया है, तीनों लोक का भार उसके सर पर है। कन्हैया ने चने खा लिए तो तीनों लोक निर्धन हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। तो मैं तीनों लोक निर्धन होने से, गरीब होने से बचाऊंगा, मैं अकेला ही चनों को खा लूंगा, मैं अकेला गरीब हो जाऊंगा, कोई परवाह नहीं, पर मैं कन्हैया को चने नहीं खाने दूंगा, कन्हैया भगवान बन के आया है, कन्हैया ने चने खा लिए तो तीनों लोग निर्धन हो जाएंगे। प्यारे भक्तों इसलिए सुदामा जी ने अपना भी भाग खाया था और कन्हैया का भी खाया था, लली परसा ले लो, और तान्या बिटिया 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रही हैं। और हमारी पिंटू भाई की धर्म पत्नी हमारी भाभी श्री 5 बर्तन दान कर रही हैं और साथ में भाभी 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रही हैं। और पिंटू भैया की सुपुत्री तान्या बिटिया 101 रुपए दान कर रही, राधे रानी की लली पर कृपा बनी रही। बोली कृष्ण भगवान की। अब भैया कन्हैया और सुदामा आश्रम पर आए, गुरुजी को पता चला, गुरुजी ने जाना, सुदामा जी ने अपना भी भाग खाया और कन्हैया का भी भाग खा लिया।